किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को ताक पर रखा हुआ है, इसे अपनी बहौती मानती है, और किस प्रकार से चुनाव आयोग इस वक्त मोदी आयोग बन के काम कर रहा है। चुनाव के अंदर हर प्रकार की गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। भाजपा जो चाहे वो करे, खुल के कर रही है, और चुनाव आयोग उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बात कल की है, जब मैं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होने के नाते विभिन्न बूथों के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए गया, तो करीब करीब हर बूथ पे जो मुझे देखने को मिला वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। नियम कहता है कि चुनाव के दिन किसी भी पार्टी का सिंबल तक पोलिंग स्टेशंस के 200 मीटर के दायरे में दिख नहीं सकता, ये नियम कहता है। लेकिन ये नियम सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये चुनाव आयोग ने बताया नहीं। जो अप्लीकेबल है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के लिए है, जिसका मैं आपको आज प्रमाण दूंगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आप कुछ भी करें, पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर प्रचार करें, जब पोलिंग हो रही हो तब भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात का मैंने कल ट्वीट करके भी देश की जनता को बताया था। जब 134, 135, 137 जो मालवीय नगर असेंबली के बूथ थे, जब मैं वहां पहली बार गया तो मुझे जो देखने को मिला वो बड़ा हैरान करने वाला था। ये देखिए, इस प्रकार के पैम्फलेट्स भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथों के पोलिंग इंचार्जेस ने अपने टेबल पे डिस्प्ले कर रखा था। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटी थी, जो सेक्टर ऑफिसर है उसकी ड्यूटी थी, जो पुलिस के लोग थे उसकी ड्यूटी थी कि थैले में जो कुछ भी ले जा रहा है वो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगा एक्सेप्शन है ये, और सबने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को, मुझे कुछ पुलिस के साथियों ने भी कहा कि पोलिंग एजेंट्स अंदर पोलिंग के अंदर बैठे हुए सैफरन रंग का टी शर्ट, सैफरन रंग का बैग लेकर के घुसे थे, और सेक्टर ऑफिसर कुछ पुलिस वालों के विरोध के बावजूद परमिट किया और उनको बैठने दिया। चलो, लेकिन जब ये चीज डिस्प्ले हो रहा है पोलिंग बूथ के इंचार्जेस के जरिए जो भाजपा के लोग हैं, अब इसमें क्या क्या वायलेशन है? इसमें सिंबल है, पार्टी के उम्मीदवार का फोटो है, माननीय मोदी जी का फोटो है, बैलेट नंबर है। अगर किसी को आप ऐसे ऐसे करते रहो वहां बैठ के, तो ये सीधा आप वहां सोलिसिट कर रहे हो वोट को, सीधा प्रचार कर रहे हो कि इसको वोट दो। जब मैं मालवीय नगर से निकला, जब मैंने इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया, उसके बाद फिर विभिन्न पोलिंग स्टेशंस जो मालवीय नगर में था वहां भी गया, जहां मैं वोट डालने गया, जो मेरा अपना बूथ नंबर था 117, उसके अंदर भी पोलिंग जो इंचार्ज था, जो बूथ इंचार्ज था भाजपा का, इस प्रकार का पैम्फलेट लेके बैठा हुआ था, 118 में बैठा हुआ था।
फिर वहां से निकल के आरकेपुरम गया। आरकेपुरम के अंदर भी यही हालत थी। वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर पोलिंग बूथ हो वहां भी यही था। जो जी ब्लॉक एमसीडी कोएड प्राइमरी स्कूल नानकपुरा था वहां भी यही था। तो वहां एक और घटना है, बूथ नंबर 12 या 13 दोनों में जब मैं अंदर घुसा और देखा किस प्रकार से पैम्पलेट्स लोग लेके बैठे हुए हैं, जब मैंने ऑब्जेक्ट किया और जब बाहर आकर के जो क्या नाम था गिरिराज नाम का पुलिस अधिकारी था, उनको मैंने कहा कि भाई इस प्रकार के पैम्पलेट्स भाजपा के पोलिंग एजेंट लेके बैठे हुए हैं, तो उसका जो रवैया था वो लगा कि वो कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार है, कि वो इसका हिस्सा है। वो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बात कर लीजिए सेक्टर ऑफिसर से। मैंने कहा सेक्टर ऑफिसर का नंबर दे दो, मैं नहीं दूंगा आपको। और उसकी हिम्मत देखिए कि वो हमारा फोन छीन लेता है। मैं एक प्रोमिनेंट पार्टी का कैंडिडेट हूँ, नेशनल पार्टी कैंडिडेट हूँ, मैं दोनों नेशनल पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार हूँ। उस पार्टी के उम्मीदवार के फोन को आप छीन लेते हो और कहते हो मैं फोन नहीं दूंगा, आप बैठिए, आपको फोन प्रोसेस से मिलेगा। तो मैंने कहा क्या चक्कर है, और सिर्फ मुझे फोन नहीं छीना, जो मेरा व्यक्ति है, जो मेरा वीडियोग्राफर है, जो मेरा फोटोग्राफर है, जो मेरे साथ चल रहा था पूरे प्रोसेस में, उसको वहां बैठा लिया, कहते तो जाने नहीं देंगे। और आसपास जो लोग खड़े थे जिसको फिल्म कर रहे थे उसके फोन भी छीन लिए। तो तीन फोन उसने गिरिराज ने छीन लिया। और जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो कहता है कि भाई हम आपको नहीं देंगे। और जब हमने कहा कि चलो ठीक है फोन रख लो, मुझे रिसीविंग दे दो, तो रिसीविंग नहीं दूंगा। तो कल जो गुंडागर्दी दिखाई है गिरिराज नाम के व्यक्ति के पुलिसमैन ने, वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है कि दिल्ली पुलिस क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सहारे पे चलेगी, या उनकी ड्यूटी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके ऊपर पूरी उनकी उनका सारा बल होता। लेकिन जिस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी ने दिखाया गिरिराज ने, उन्होंने ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वो हिस्सेदार है। जब फोन उनको पास छोड़ कर चला गया, सेक्टर ऑफिसर जब आया उसने अपने आंखों से इन चीजों का जाकर के देखा उन पोलिंग बूथ पे, माना कि हाँ ये गलत है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। लेकिन भाजपा के पोलिंग एजेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। ये बहुत दुखद भी है, डरावना भी है, भयावह भी है कि किस प्रकार से देश का प्रजातंत्र आज भाजपा के कारण खतरे में है, किस प्रकार से उन्होंने हर संस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये होना कोई इस बात की निशानी है कि चुनाव आयोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है।